अच्छा शॉट, लेकिन ये विकेट होना चाहिए था, क्योंकि याद दिला दूं आपको रमेश गोल्ड कि आपको अगर ये मैच जीतना है तो काफी कम रनों पे रोकना होगा सपना ज्वेलर्स की टीम को, क्योंकि नेट रन रेट के हिसाब से आप काफी पीछे हो। और हाँ लाइट्स थोड़ा कम लग रहा है, बराबर है, एक बॉल बाकी है, पांच बॉल ही हुआ है। हाँ पहला नौ था ना, 10 रन हुआ है, 1 मिनट है, एक डॉट आया था क्या, डॉट आया था, एक डॉट, हाँ तो फिर बराबर है, 1 ओवर 10। पहले 9 में 4 आने के बाद भी काफी अच्छी बॉलिंग की जितेंद्र नाहर ने, 1 ओवर 10 रन। रमेश जी, नेक्स्ट बॉलर रमेश, और ये संभल के काफी खेल रहे हैं हर्षिल, जानते हैं बस इनकी ओवर निकालनी है कैसे भी करके। अच्छी बॉलिंग अभी तक रमेश जैन द्वारा, और ये डर डर के कहीं हर्षिल अपनी विकेट ना दे दे। सपना ज्वेलर्स के कैप्टन टीम के हर्षिल जैन, और ये काफी अच्छा शॉट, सिर्फ 1 रन, 5 बॉल में अभी तक सिर्फ 3 रन आए हैं। काफी अच्छी बॉलिंग रमेश गोल्ड द्वारा, और ये डॉट बॉल, अच्छा डॉट बॉल, 2 ओवर 13 रन, सिर्फ 3 रन आए इस ओवर में। रमेश गोल्ड को क्या करना है वो बखूबी जानते हैं कि काफी कम रनों में रोकना है सपना की टीम को और अच्छे मार्जिन से जीतना है। बॉलर नेम संयम, संयम, और सपना ज्वेलर्स हर्षिल को भी पता है, और ये 6 रन कि स्टार्टिंग के अगर 2 ओवर में ध्यान से खेल लूं तो फिर आगे लूज ओवर तो मिलेंगे। और ये कट फिर से एक बार, 1 रन डिक्लेयर है, डिक्लेयर हर्षिल स्ट्राइक पे वापस, 1 रन डिक्लेयर, नो बॉल, और ये 4 रन अंपायर का इशारा। रमेश गोल्ड को ये मैच काफी लंबे अंतराल से जीतना है।
और ये नो बॉल है, अंपायर का इशारा नो बॉल। और ये नो बॉल, नो बॉल। तीन बॉल और ये वाइड बॉल। अच्छा शॉट और काफी अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। नो बॉल, फिर से एक बार नो बॉल। एक्स्ट्रास बहुत दे दिए इस ओवर में, संयम को काफी संयम के साथ बॉलिंग करनी चाहिए। रिस्पेक्टेड बॉलर हो आप रमेश गोल टीम के, ऐसे नहीं कर सकते आप। कितना बॉल हुआ है? चार बॉल हुआ है और स्कोर हो चुका है 32 रन। अच्छा शॉट और ये लगता तो आउट था, हर्षिल का विकेट मिल सकता था अगर ये बॉल लगती तो। अरे ये कैच ड्रॉप। ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है 3 ओवर 34 रन 34। 21 रन आए इस ओवर से। ये डॉट बॉल, और ये सिक्स पहुंच तो गए थे लगभग, पहुंच तो गए थे लेकिन चूके थोड़े से। और ये बहुत अच्छी बॉलिंग दक्ष द्वारा। और ये खड़े खड़े आराम से, भैया किसी को भी कोई हिलने की जरूरत नहीं, सीधा 6 रन। हर्षिल काफी समझदारी भरी बैटिंग करते हुए। और ये अभी तो नहीं हर्षिल पहुंच पाएंगे आप, कैच आउट। और ये अपना काम लेकिन फिर भी कर गए हैं हर्षिल। और अब आए हैं कुणाल संचेती। पांच बॉल, एक बॉल बाकी, एक बॉल बाकी है। कुणाल संचेती बैट पकड़ने का बहुत ही अलग अंदाज। अच्छा शॉट और ये बहुत अच्छी कैच रमेश नाहर द्वारा, दूसरी विकेट। कुणाल संचेती अपने पहले ही बॉल पे आउट। सपना ज्वेलर्स की फर्स्ट चॉइस प्लेयर थे ये, 46 रन्स लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए अभी तक टूर्नामेंट में। 4 ओवर 46 रन्स। नेक्स्ट बैट्समैन, बैट्समैन नेम धवल, घूम जाओ। हाँ धवल, हितेश है धवल है कौन। और ये बहुत बेहतरीन कैच दक्ष का, ये बहुत ही अच्छा कैच। 3 विकेट 3 गेंदों पे 3 विकेट चले गए हैं। दक्ष ने लास्ट 2 बॉल पे 2 विकेट लिए थे और अभी इन्होंने लिए दीक्षित। और सपना ज्वेलर्स की पारी यहां पे काफी बिखरती हुई। इसके बाद भी एक ओवर बाकी है, अभी भी 10 गेंदे बाकी है। और आपको अच्छा शॉट और ये 6 रन, 6 रन रमेश फील्ड के द्वारा 6 रन
नाहर के थ्रू थोड़ी सी मिस फील्ड, अगर ये कैच पकड़ लेते तो लगभग आधी से ऊपर टीम पवेलियन लौट जाती। अच्छा शॉट, लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। कंटिन्यू कंटिन्यू रखिए। अच्छा शॉट, ये पांच ओवर की समाप्ति पे स्कोर हुआ है 56, पांच ओवर 56 रन्स। और ये बोल्ड, और ये नो बॉल। चार बॉल बाकी। और ये स्टंपिंग, और ये अजय भाई काफी बढ़िया बॉलिंग, विकेट अपने डालते हुए। और रोहित आते हुए, नो बॉल स्टंप के पीछे, डायरेक्ट है नो बॉल, डायरेक्ट स्टंप के पीछे। भाई अंपायर से आर्गुमेंट ना करें। दो बॉल अभी भी बाकी है, 60 रन हो चुके हैं। और ये, और इनिंग्स की लास्ट बॉल, 61 रन। और ये विकेट, इनिंग की समाप्ति। 6 ओवर पे स्कोर हुआ है 61।
वर्सेस मेट्रो लेमिनेट्स। पारस जी नाहर टॉस के लिए आइए। पारस जी नाहर और ये मैच रमेश गोल्ड को और ये पहली विकेट। अच्छी कैच और रमेश गोल्ड के कैप्टन रमेश नाहर आउट। अच्छा हाँ, नेक्स्ट बैट्समैन संयम। और ये दूसरा कैच भी होना चाहिए था। एक रन डिक्लेयर है, यही अगर कुणाल ने हाथ में दे दिया होता तो विकेट मिल जाता था। ये बॉल देना भाई। एक ओवर 5 रन। और टॉस प्रिंस और मेट्रो में टॉस जीत के मेट्रो ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। क्या बात है। सतीश मेहता बंटी और ये विकेट दीक्षित संचेती का भी। बंटी स्टेज की तरफ आई है। हेलो बंटी इज बैक। अब हम अपने लीग मैच के आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं। अब मैं कमेंट्री पे ही रहूंगा। चलिए मैच की तरफ। बहुत ही अच्छी आज सुबह से हमने देखा है, दोपहर से देख रहे हैं, काफी अच्छा मैचेस हो रहे हैं। जैसे जैसे शाम हुई वैसे वैसे पब्लिक, हमारे ऑडियंस जो आज के टूर्नामेंट की शान है, खचाखच भरी हुई है। वाइट बॉल।
तीन बॉल हो चुके 2.3 ओवर्स। इस साल राजस्थान श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन संघ का क्रिकेट टर्फ टूर्नामेंट सीजन वन, इस साल हमने एक शुरुआत की है इस टूर्नामेंट की। हमें खुद को नहीं पता था कि ये टूर्नामेंट आज इस लेवल तक पहुंच जाएगा। एक हफ्ते पहले किसी ने नहीं सोचा था कि राजस्थान जैन संघ की तरफ से आज टूर्नामेंट खेला जाएगा। एक बहुत बड़ी पहल है जो हमने शुरू की है। जैसे तैसे करके हमने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया और आज इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं। 23 रन तीन ओवर की समाप्ति पे। अजय, व्हाट अ शॉट! का दूसरा बैक टू बैक तीसरा छक्का। नो बॉल, नो बॉल। ओ लवली शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट था जीतू भाई का। आखिरी दो गेंदे, आखिरी गेंद, वाइड बॉल हो सकता था और ये अच्छी रनिंग, एक रन। इसी के साथ 12 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता। बहुत ही अच्छी कमबैक है ये रमेश गोल्ड की। जीतू भाई और संयम ने बहुत ही अच्छी पारी खेली है। जीतू भाई हमारे अगले साल के होने वाले उम्मीदवार एक बैट्समैन के तौर पे उभरते हुए खिलाड़ी है। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं जीतू भाई और उतनी अच्छी गेंदबाजी है उनकी। और ये बैकफुट बहुत ही पावर हिटिंग था पर एक रन। इसी के साथ आखिरी 11 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता। और जल्दी अटेम्प्ट कर लिया और एक रन। जीतू भाई ने 9 गेंदों में 15 रन मारे, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। और पावर हिटिंग शॉट, चौका। गेंदों में 10 रन, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। ये अंपायर पर एक भी बॉल काउट है कि नहीं? नो नो बॉल, ये एक्चुअल नो बॉल है, फ्लाइट नो बॉल है। बॉल ऊपर से आया है अंपायर को। अरे अर्शिल, उसको आइडिया नहीं था।
ओके एक सेकंड, अंपायर ने डिसीजन नहीं दिया था, अंपायर को हमने बताया, हमने बताया अंपायर ने डिसीजन नहीं दिया था, अंपायर ने डिसीजन नहीं दिया था। अंपायर नो नहीं है, बॉल काउंटेड। चलो स्टार्ट, एक रन, आठ गेंदों में नौ रन। शॉट, जीतू भाई क्या बात है। और ये विनिंग रन जीतू भाई की तरफ से, और इसी के साथ रमेश गोल ने ये मैच जीत लिया है सपना ज्वेलर्स को हरा के।